बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुबहान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एप्पल से बनने वाली एक बिल्कुल नई और बिल्कुल मुनफरिद सी रेसिपी लेकर आए हैं। इस रेसिपी को बनाना बेहद आसान है। अगर आपके पास 2 से 3 अदद एप्पल है तो ये लाजवाब रेसिपी जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। ये इतनी जबरदस्त रेसिपी है, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले आपने इस तरह की रेसिपी ना कभी देखी होगी और ना कभी अपने घर में ट्राई की होगी। आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, आपका टाइम जाया किए बिना अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी हाँ, इस जबरदस्ती रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज के एप्पल ले लिए हुए हैं। इनको हमने पहले बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया हुआ है और अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। इनको हमने यहाँ पर स्लाइसेस में कट करना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एप्पल्स के स्लाइसेस हमने जो है वो कट कर लिए हुए हैं। बिल्कुल इसी साइज के आपने काटने हैं, ना ये बहुत ज्यादा मोटे हैं और ना ये बहुत ज्यादा पतले हैं। और अब हम यहाँ पर इसके ये बीज रिमूव कर लेते हैं। सेंटर वाला पार्ट हमने रिमूव करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरीके से एक ढक्कन लेंगे, इसको बिल्कुल सेंटर में रख के हम ऊपर से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसके बीज जो है वो रिमूव करने हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम एक अदद बॉल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 अदद अंडे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी नमक। नमक को ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 टेबलस्पून हमारे पास आइसिंग शुगर है। आपके पास ये चीनी का पाउडर नहीं है तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1/3 कप हम इसमें दूध ऐड करेंगे और 1 कप के बराबर हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले 1/2 कप इसमें ऐड करेंगे। मैदे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है, ठीक है। और अब हम इसे यहाँ पर अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसका हम एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर ना आपने बहुत ज्यादा गाढ़ा रखना है ना आपने बहुत ज्यादा पतला रखना है, बस नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आप मिक्सचर रखिएगा। ये लें जी, यहाँ पर आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अंडे का मिक्सचर जो है वो बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ना ये बहुत ज्यादा पतला है और ना ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है। आपने इसको अच्छी तरह से फेंटना है ताकि इसमें कोई भी गुठली जो है वो बाकी ना रहे, ठीक हो गया। और अब हम यहाँ पर थोड़ी सी इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक प्लेट में हम ऐड करेंगे ये हमारे पास 3 से 4 टेबलस्पून आइसिंग शुगर है, चीनी का पाउडर है हमारे पास और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ये हमारे पास दालचीनी का पाउडर है। सिंपली दालचीनी को हमने अच्छी तरह से पीस लिया हुआ था और इसका पाउडर जो है वो तैयार कर लिया हुआ है। अच्छी तरह से हम इसे यहाँ पे मिक्स कर देंगे। ये ले जी, आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मिक्सचर हमारे बिल्कुल रेडी हैं। और अब हम यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर इसमें 1/2 चम्मच ये हमारे पास बेकिंग पाउडर है ये हम ऐड कर देंगे। ये आपने बिल्कुल इसी पॉइंट पे ऐड करना है जब आप इसकी कोटिंग करने लगे होंगे, ठीक है। अगर आप पहले से ऐड कर देंगे तो ये जो डो है ये बिल्कुल भी नहीं फूलेगी। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और साथ ही अब हम यहाँ पर एक इस तरीके से एप्पल का स्लाइस लेंगे, इसको हम अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेंगे और साथ ही हम इसमें इसको ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इस लिक्विड की भी हमने इसके ऊपर कोटिंग कर लेनी है। ये देखिए, अच्छी तरह से आपने ये मिक्सचर इसके ऊपर लगा लेना है और आपने कोशिश यही करनी है कि ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा आपने हार्ड ही रखना है, ठीक है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसकी कोटिंग कर लेनी है। दूसरी तरफ गैस पे रखेंगे हम 1 अदद पैन और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपने ज्यादा नहीं ऐड करना, यहाँ पर हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसे यहाँ पर हम मीडियम हीट पे गर्म कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं आपने इसको गर्म करना, ठीक है। ऑयल मीडियम हीट पे गर्म हो चुका हुआ है और अब हम इसमें ये एप्पल्स के स्लाइसेस ऐड करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गैस का फ्लेम आप लोगों ने यहाँ पे मीडियम कर देना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हमने सारे एप्पल्स पर कोटिंग करके डाल दी हुई है और अब हम यहाँ पर इसे फ्राई करेंगे तकरीबन गोल्डन ब्राउन कलर होने तक, ठीक है। यहाँ पर इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे।
आपने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और साइड को आप लोग चेंज करते रहिएगा ताकि हमें हर साइड से एक जैसा कलर मिल सके। ठीक हो गया। ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से तमाम एप्पल्स के ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका हुआ है और अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं और चलते हैं अब हम फाइनल लुक की तरफ। आप लोगों को डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये अंदर से कितने ज़बरदस्त, कितने टेस्टी और कितने शानदार से बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम जो बाकी के रह गए हैं वो भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और यहाँ पर इनके ऊपर भी खूबसूरत सा गोल्डन कलर लेके आएंगे। तो ये लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त टेस्टी डिलीशियस स्नैक हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बच्चों और बड़ों दोनों को ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। बच्चे तो इसे देख के एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं। आप भी इसे अपने घरों में जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सस्ती और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है। आप लोग इसे अपने बच्चों को बना के टिफिन बॉक्स में दीजिएगा, इंशाल्लाह वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। जरूर ट्राई करिएगा, मुझे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस एप्पल की सस्ती सी रेसिपी को अपने घरों में जरूर ट्राई कर सकें। अगर आप लोगों के पास टाइम ज्यादा नहीं है तो आप इस वीडियो को शॉर्ट देखना चाहते हैं तो आप मेरा दूसरा चैनल किचन विद आयशा जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जरूर विजिट करिएगा। लिंक उसका जो है वो मैं आई बटन में डाल दूंगी। जल्दी जल्दी आप जाइए किचन विद आयशा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलती हूँ आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को करती हूँ अल्लाह हाफिज़।